दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वजन तो घटाना चाहते हैं लेकिन डाइटिंग का समय नहीं है, या फिर सुबह सुबह दौड़ने में आलस आता है। सुबह नाश्ते में पराठा बनाने में तो आसान लगता है, पर अगर कुछ हेल्दी बनाना पड़े जैसे कि दलिया और अन्य कोई चीज, तो वह बहुत ही मुश्किल काम लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरा दिन घर से बाहर होते हैं और बिजी रहते हैं, इसलिए उन्हें वजन घटाने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। अगर आपको भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सुबह की कुछ आदतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप जल्द ही अपने वजन को आसानी से घटा सकते हैं। ये सुबह की आदतें आपकी सेहत को काफी ज्यादा हेल्दी बना देंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बना देंगे। तो चलिए जानते हैं वजन घटाने के लिए सुबह की ये 5 आदतों के बारे में। पहला है, गुनगुने पानी से करें दिन की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठते हैं, सीधा अपने रसोई में जाइए और एक बर्तन को गैस में रख कर उसमें एक गिलास पानी डालिए, और जब पानी गुनगुना हो जाए तब उसे एक कांच के गिलास में डालकर एक जगह बैठकर धीरे धीरे खाली पेट पी लें। गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे आपके शरीर को फैट घटाने में सहायता मिलती है, जिससे तेजी से वजन कम होता है। दूसरा है, गर्म पानी में नींबू और शहद का सेवन। दोस्तों, चाय से भले ही आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूर मिलती है, लेकिन आपको उससे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता। यदि आप पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं तो आपको घर में सुबह कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, इसलिए हमेशा सुबह सोकर उठने के बाद गर्म पानी में नींबू और शहद का सेवन करें। इसके लिए आप एक गिलास गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस डालें और एक चम्मच शहद डालें, और सुबह सोकर उठने के बाद इस गर्म पानी वाले नींबू और शहद का सेवन कर लीजिए। यह आपके शरीर में फैट जमा होने नहीं देता, जिससे आपका वजन कम होता है। यदि आप इसे नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और आपके शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है। तीसरा है, सुबह करें धूप में व्यायाम। दोस्तों, सुबह सुबह के समय हमें धूप में जरूर निकलना चाहिए। यदि आप हर रोज आधा घंटा भी अच्छी तरह से धूप ले लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से ठीक रहता है। यदि आपका काम सारा दिन एक कमरे में बैठकर करना पड़ता है तो आपको सुबह की धूप जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि धूप आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। इसके अलावा यह अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होता है। चौथा, 15 मिनट करें जॉगिंग। दोस्तों, हर दिन सुबह उठने के बाद कम से कम 15 मिनट वॉकिंग जरूर करना चाहिए। यदि आप सुबह 15 मिनट वॉकिंग करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो फायदा सुबह वॉकिंग करने में मिलता है वह फायदा और किसी भी समय में नहीं मिलता है। सुबह के समय हरे घास में नंगे पैर चलने से बहुत ही ज्यादा फायदा शरीर को होता है। यदि आपको सुबह सुबह घास में चलना अच्छा नहीं लगता तो आप अपने घर पर ही चलने की आदत बनाइए। इसके अलावा आप किसी अन्य चीजों के साथ वॉकिंग की आदत डालिए। पांचवा है, सुबह का नाश्ता जरूर करें। दोस्तों, सुबह का नाश्ता हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हर इंसान को सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता करने से शरीर में ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और शरीर किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। इसलिए सुबह का नाश्ता हर व्यक्ति को करना चाहिए। सुबह के नाश्ते में ज्यादातर प्रोटीन युक्त और अनेक प्रकार के विटामिन युक्त चीजों का सेवन कर सकते हैं। आप सुबह नाश्ते के रूप में उबले अंडे, दलिया, पपीता, केला इत्यादि चीजों का सेवन कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, आप सुबह एक गिलास दूध भी पी सकते हैं, जो पूर्ण आहार का काम करते हैं, लेकिन दूध में कभी भी चीनी ना डालें। तो ये थे दोस्तों वजन घटाने के लिए सुबह जरूर अपनाएं यह 5 आदतें। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं, और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।